सब्सक्राइब कीजिए इंडो राजस्थान एक्सप्लोरर को और बेल आइकॉन को दबाए ताकि आप देख सके हमारी वीडियोस को सबसे पहले। नमस्कार, जय माता दी। मैं अशोक टलर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंडो राजस्थान एक्सप्लोरर में। दर्शकों, हम आज जिस जगह जाने वाले हैं, यूँ तो मुख्य स्थान बीकानेर के अंतर्गत करणी माता, जो कि दशनोक में स्थित है, और ये माता जी चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हम उदयपुर सीरीज कर रहे हैं, तो एक ऐसा ही स्थान जो कि उदयपुर में स्थित है और मनसापूर्ण करणी माता के नाम से विख्यात हैं, वहाँ हम आज जाने वाले हैं। दर्शकों, दशनोक से ही माता जी की जोत लाकर यहाँ इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और वही मान्यता है जो कि दशनोक में स्थित करणी माता की है। यहाँ काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दर्शकों, यहाँ पर आने के लिए आपको रोपवे भी मिल जाएगा। अगर उदयपुर में आप आते हैं और रोपवे का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप करणी माता जरूर आएँ। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा, जिलों का सुंदर नज़ारा आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। दर्शकों, आप अगर उदयपुर आते हैं तो यहाँ पर जरूर आएँ। हम सफ़र शुरू करते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल कलर का बटन है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दर्शकों, हम सफ़र शुरू करते हैं मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर का।
दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं करणी माता के टॉप मोस्ट जगह, जो कि एक माछला मंगरा पर स्थित ये माता जी का मंदिर। यहाँ से आप शहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं सामने सुंदर पिछोला झील का नज़ारा, उसमें आप स्थित यह जग मंदिर, जो कि काफ़ी शाही शादियों के लिए विख्यात है। साथ ही पूरा शहर जैसा कि झील में सिमटा हो, इस तरह से नज़ारा आपको यहाँ दिखाई देता है। साथ ही लेक पैलेस होटल, जो कि विश्व विख्यात है, वो भी आपको यहाँ से दिखेगी। इसके साथ ही पूरे शहर का नज़ारा आप करणी माता से देख सकते हैं और यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपको वाकई उदयपुर की खूबसूरती निहारनी है तो आप करणी माता जरूर आए। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं करणी माता, जो कि उदयपुर में स्थित है। इस समय हमारे इस मनसापूर्ण करणी माता जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, संपत जी कच्छावा जो है अध्यक्ष हैं इस करणी माता ट्रस्ट के, साथ में ललित जी चोपड़ा जो कि कोषाध्यक्ष हैं, साथ में हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि माता जी का क्या इतिहास है, क्या यहाँ की महिमा है। ये मंदिर करीब 1624 में मंदिर का पान प्रसार हुई थी और 1628 में तैयार हुआ था। और मंदिर इसलिए बनाया था, मेवाड़ की फौज पास में कालीवदी जो है, उस कालीवदी में मेवाड़ की फौज रहती थी, उस फौज की सेवा पूजा के लिए इन्होंने करणी माता की स्थापना की थी। और करणी माता की स्थापना इसलिए हुई थी कि यहाँ के राजा करण सिंह जी जो थे मेवाड़ के, उनकी राजमाता जो थी वो बीकानेर से बिलोंग करती थी। जब उनका ब्याह हुआ था उस टाइम पर उन्होंने करणी माता की जोत ला के यहाँ प्रकट की थी और वो देश नौ की करणी माता के रूप में यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। पिछले कुछ वर्षों से मंदिर बिल्कुल खंडित हो गया था। 97 में फिर हम लोगों ने यहाँ इस मंदिर की व्यापी पान प्रसाद करवाई और इसकी रूटीन वे में पूजा अर्चना चालू की। और ऊपर जो मूर्ति जो बनी हुई है वो हमने 97 में एक माता का रूप देखे उसको पान प्रसाद की थी। और फिर वापिस ये मूर्ति हमने 2012 में इस मूर्ति को बाहर लेके आए थे और बाहर एक माता जी का भव्य स्थान बना के माता जी को परमानेंट टेम्परेरी के लिए वहाँ हमको उन्होंने शिफ्ट किया और फिर इस मंदिर का पूरा निर्माण करा के, और 2017 दिसंबर में इस माता जी के भव्य रूप से पान प्रसाद वापिस मंदिर में हुई। ये इसका इतिहास है। माता जी की महिमा आपको बढ़ती जा रही है। ट्रस्ट की तरफ से क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ? ट्रस्ट की तरफ से तो एक तो साप्ताहिक भंडारा चलता है हमारे यहाँ हर रविवार को सवेरे अल्पाहार चलता है करीब 7 से 8:30 बजे तक, और 9:30 के बाद भंडारा चलता है। जब तक हमारे पास भंडारा का स्टॉक है जब तक वो भंडारा चलता रहेगा। कोई श्रद्धालु उसमें देखो देना चाहे भंडारा करना चाहे तो किसके भंडारा पैसे पहले हमारा भंडारा जो करवाते थे 5,000 रुपये उसकी हमने एक नॉर्मल रेट रखी थी। कितने भी मेम्बर आओ कोई तकलीफ नहीं, वो ट्रस्ट वे करेगी उसको। हाँ, ट्रस्ट बनाती। लेकिन फिलहाल अभी क्या जो पुराना कोरोना के टाइम में जो भंडारा लोगों के बुक थे तो वो 1.5 साल बन रहे, तो वो पुरानी पेंडिंग जो हमारे पास पड़ी हुई है वो उसको अभी चालू की वापस हमने, और नया अभी हमने टोटल बंद कर रखा है। जब तक ये पुराने कंप्लीट नहीं होंगे जब तक नया हम इसको। तो दर्शकों, हमने जाना मनसापूर्ण करणी माता का इतिहास। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमको उपलब्ध कराई है हमारे दर्शकों के लिए। इसके लिए सभी पदाधिकारी अध्यक्ष साहब कोषाध्यक्ष साहब सबका आभार धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने दर्शन किए मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर के। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो माता रानी की इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दर्शकों, बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी उदयपुर सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।